गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार फ्रॉम गुरुकुल स्कूल्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 4 का चैप्टर 2 का वीडियो नंबर 1 लेकर आया हूँ। सब्जेक्ट मेरा मैथ है। इसमें मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा रोमन न्यूमरल्स, यानी कि हम लोग किसी भी संख्या को रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले रोमन नंबर में जानने के लिए मुझे ये जानना होगा कि रोमन नंबर किस किस संख्या से मिला करके लिखते हैं। सबसे पहले से आप लोगों को पता है, कोई भी नाम लिखना हो इंग्लिश नाम, तो इंग्लिश अल्फाबेट के सहायता से हम लिखते हैं, जो कि इंग्लिश अल्फाबेट 26 लेटर होता है, यानी कि 26 लेटर में से ही किसी भी नाम को हम लोग जोड़ करके लिखते हैं। और यदि किसी का कोई नंबर लिखना हो, रोल नंबर हो या मोबाइल नंबर हो, वो मैं नंबर लिखता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, यानी 9 तक के संख्या से मिल करके वो कोई भी नंबर बनता है। उसी तरह से किसी भी रोमन नंबर को लिखना हो तो ये जो दिया हुआ है IVXLCDM, इतना ही, ये 7 संख्या, यही 7 लेटर से कोई भी रोमन नंबर बनता है। अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। आई यानी कि 1, भी जो है वो 5 का रोमन नंबर होता है, एक्स का 10, एल 50 का होता है, 50 का, सी 100 का रोमन नंबर सी होता है, और डी जो होता है वो 500 का होता है, और एम 1000 यानी कि 1000 का रोमन नंबर एम होता है। और इन्हीं 7 से मिला करके किसी भी संख्या को हम लोग रोमन नंबर लिखते हैं। अब देखते हैं ये IVXLCDM। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रोमन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 तक का रोमन नंबर सीखते हैं कैसे लिखते हैं। ये 10 तक का रोमन नंबर जाने से पहले एक बात जानेंगे कि कुछ ऐसे रोमन नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं, और कुछ ऐसे रोमन नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग बार बार रिपीट कर सकते हैं। सबसे पहले वो जानेंगे जिसको हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। तो VLD यानी कि ये जो रोमन नंबर होता है V का 5, L जो होता है 50 का, और डी जो होता है 500 का, ये रोमन नंबर को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। कैन नॉट बी रिपीटेटेड, कैन नॉट बी रिपीटेड, इस रोमन नंबर को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। तो रिपीट किसको करते हैं, तो ये 3 जो है VLD को छोड़ करके जो बाकी रोमन नंबर बनता है IXC और M, यानी कि I का जो होता है 1 के लिए होता है, X 10 के लिए, और C 100 के लिए, और M 1000 के लिए, इसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं। कैन बी रिपीट, अब ध्यान दीजिए रिपीट करने का भी एक लिमिट होता है। रिपीट यानी कि बार बार, कितना बार लिख सकते हैं। IXCM इसको हम यदि रिपीट भी करेंगे तो मैक्सिमम 3 बार, 3 टाइम्स से अधिक बार इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं रोमन नंबर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले 1 का रोमन नंबर I, 2 का II यानी कि डबल I, 3 का III यानी कि ट्रिपल I, ये 3 हो गया तो होगा रोमन नंबर 3 का हो गया। जैसे 1 के लिए 1 एक I, 2 के लिए 2 I हो गया, और 3 के लिए ट्रिपल I यानी कि 3 हो गया। अब आते हैं 4 के बाद सीखते हैं 5 का रोमन नंबर जानते हैं। तो 5 का जो रोमन नंबर होता है वो भी होता है, तो मैं 5 का भी लिख दिया। तो 4 के लिए यानी 4 जो है 5 से 1 कम है, तो 5 भी से 1 पहले कर देंगे, 1 कम यानी कि I मतलब 1, 1 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 का रोमन नंबर, यानी कि I और भी। तो 4 के लिए भी से 1 पहले 1 कम, यानी कि ये 4 का हो गया, 5 का भी। उसी तरह 6 के लिए क्या हो जाएगा, तो भी का हो जाएगा 5, और 1 अधिक जोड़ देंगे 1 I, यानी 1 का जो I होता है
आई जोड़ देंगे एक बार तो वी आई जो हो जाएगा वो सिक्स का हो जाएगा। सेवन का उसी तरह से सेवन का वी का हो जाएगा फाइव और ये वन यानी कि ये टू हो गया तो फाइव और टू सेवन तो सेवन का वी आई आई। एट के लिए सेम प्रोसेस वी का फाइव हो गया आई सिक्स आई सेवन आई एट यानी कि ट्रिपल आई तीन बार मैं लिख दिया तो एट का हो गया वी आई आई आई। अब आगे बढ़ते हैं टेन का जानते हैं। टेन का होता है एक्स, टेन का एक्स तो नाइन का यानी टेन से एक कम तो टेन से एक कम यानी कि एक पहले आई हो जाएगा पहले जुड़ जाएगा। यदि कम रहेगा तो आई पहले जुड़ जाएगा और अधिक रहेगा तो उतना संख्या आई आगे बढ़ जाएगा। तो टेन के लिए क्या हो जाएगा एक्स और नाइन का एक्स से आई पहले हो जाएगा यानी कि आई एक्स तो नाइन का हो जाएगा आई एक्स और टेन का एक्स। इसी तरह से यदि मुझे इलेवन का लिखना होता तो टेन का लिखते और प्लस वन इलेवन का, टेन का जिसे मुझे इलेवन का लिखना है तो टेन का एक्स और वन के लिए आई एक्स आई ये हो गया इलेवन का। इसी तरह से आगे ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन बढ़ते चले जाएंगे। इसको मैं एक बार रिपीट करता हूं, वन का आई टू का आई आई थ्री ट्रिपल आई फोर के लिए आई और भी फाइव के लिए भी सिक्स के लिए भी और आई सेवन के लिए वी आई आई एट का वी आई 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 यानी कि वी और ट्रिपल आई तीन बार लिखते हैं, नाइन का आई और एक्स और टेन का एक्स। अब आगे बढ़ते हैं टेन के बाद ट्वेंटी, ट्वेंटी का तो टेन के लिए एक्स होता है तो ट्वेंटी मतलब टेन टेन दो तीन हो जाएगा ट्वेंटी तो दो एक्स कर देंगे यानी कि टेन प्लस टेन ट्वेंटी होता है तो टेन का एक्स और ये टेन का एक्स दो एक्स यानी कि टेन टेन ट्वेंटी। उस तरह थर्टी का लिखना होगा तो ट्रिपल एक्स हो जाएगा टेन 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 यानी ट्रिपल टेन यानी कि टेन 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 तीन बार ऐड करेंगे तो थर्टी हो जाएगा। अब आते हैं एक बार फिफ्टी का देखते हैं, फिफ्टी का एल होता है, फिफ्टी का एल होता है तो फोर्टी के लिए फिफ्टी और फोर्टी में डिफरेंस है टेन का यानी कि फोर्टी चालीस फिफ्टी पचास से दस कम है टेन कम है तो फिफ्टी का एल होता है तो फोर्टी के लिए एल यानी कि फिफ्टी से टेन पहले लिख देंगे। मैं यहां बताया हूं नाइन के लिए आई एक्स यानी कि एक से वन पहले हो जाएगा। उसी तरह से फोर्टी के लिए एल फिफ्टी का लिख करके इसे एक्स पहले कर देंगे यानी एक्स एल यानी फिफ्टी से दस कम तो एक्स एल जो हो जाएगा वो फोर्टी का होगा फिफ्टी का एल। सिक्सटी जो होता है फिफ्टी प्लस टेन सिक्सटी यानी पचास और दस तो फिफ्टी का एल मुझे पता है और टेन के लिए एक्स यानी फिफ्टी प्लस एक्स यानी एल प्लस एक्स यानी कि एल एक्स जो कर देंगे वो सिक्सटी का हो जाएगा। सेवेंटी के लिए एल एक्स एक्स, एटी के लिए एल एक्स 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 ट्रिपल एक्स, नाइन्टी के लिए एक्स सी क्योंकि हंड्रेड का सी होता है और हंड्रेड से टेन कम होता है नाइन्टी तो सी लिख करके और एक्स पहले कर देंगे क्योंकि टेन कम होता है तो एक्स पहले कर देंगे। वही मुझे वन हंड्रेड टेन लिखना होता तो वन हंड्रेड का सी होता और एक्स बाद में कर देते उसके बाद तो वन हंड्रेड टेन का हो जाता तो मुझे नाइन्टी का लिखना है तो एक्स और सी हो जाएगा हंड्रेड का सी हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं सीखते हैं टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड का, टू हंड्रेड का वन हंड्रेड का सी होता है तो टू हंड्रेड का सी और सी यानी कि डबल सी यानी कि हो गया टू हंड्रेड, थ्री हंड्रेड का सी 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 यानी कि ट्रिपल सी हो गया ये हंड्रेड 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 यानी तीनों मिल करके थ्री हंड्रेड तो थ्री हंड्रेड का रोमन नंबर ट्रिपल सी हो जाएगा। फोर हंड्रेड का सी और डी क्यों, क्योंकि 500 का डी होता है तो 500 से 400 100 कम है तो 100 कम है तो 100 का रोमन नंबर सी होता है तो सी पहले जुड़ जाएगा यानी कि 100 का 500 का डी हो गया और 400 का लिखना है तो सी पहले आ जाएगा यानी कि सी और डी हो जाएगा 400 का। ठीक 500 का डी हो गया, 600 का 500 का डी और 100 का सी तो हो गया 600, 600 का डी और सी, 700 का सेम प्रोसेस
डी सी सी 800 का डी सी 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 यानी कि 500 600 700 800 सेम आगे आ जाइए 1000 का 1000 का रोमन नंबर एम होता है तो 1000 का एम होता है तो 900 जो कि 1000 से 100 कम है तो 1000 से 100 कम यानी कि एम से 100 पहले सी पहले आ जाएगा जो सी एम होगा वो होगा 900 का रोमन नंबर और 1000 का एम। यदि मुझे 1000 100 यानी कि 1100 1100 यानी कि कार्बन नंबर लिखना होता तो एम होता 1000 का और सी होता 100 का तो एम और सी हो जाता। अब यदि जिसको इतना रोमन नंबर पता है वो आसानी से 1 से 1000 तक किसी भी संख्या का रोमन नंबर लिख सकता है। मैं आप लोग एक बात रिपीट कर दूं कि रोमन नंबर को हम लोग याद नहीं करते हैं, यदि याद करना है तो केवल ये रोमन नंबर जो है 7 इतना ही को हम याद करेंगे। जिसको ये 7 याद हो गया वो 1 से 1000 तक कोई भी रोमन नंबर लिख सकता है। ठीक, अब चलिए मैं आप लोग बता रहा हूँ कि क्यों कोई भी रोमन नंबर, मान लीजिए मुझे लिखना है 13 का रोमन नंबर 1313 तो कैसे करेंगे, जो 13 बनता है 10 और 3 से बनेगा तो 10 का रोमन नंबर यहाँ पर सर्च करेंगे 10 10 10 एक्स होता है, एक्स लिख दिए। अब 3 का रोमन नंबर 3 का ढूंढेंगे आई तो आई यानी कि ये हो गया आपका रोमन नंबर 13 का। मुझे लिखना है 49 का, चलिए आसान 49 का रोमन नंबर लिखना है तो पहले 40 का रोमन नंबर देखेंगे इसमें कहीं लिखा होगा 40 एक्स एल तो लिख दिए एक्स एल, ये 40 का हो गया। अब लिखना है 9 का, 9 का देंगे इसरो से 9 आई एक्स ये जो रोमन नंबर बना एक्स एल आई एक्स ये 49 का बना। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं 88 का, 80 का रोमन नंबर यहाँ देखेंगे 80 एल एक्स 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 तो लिख देंगे एल एक्स 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 और 8 का यहाँ 8 का है VIII VIII ये जो रोमन नंबर बना एल एक्स 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 VIII ये 88। इसी तरह से 100 तक तो आसान से लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं 100 से अधिक, जैसे मुझे 225 का लिखना है 225। अब जानेंगे 200 का क्या होता है, 200 का देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सी और सी तो लिख देंगे 200। अब 25 का तो 20 का देखेंगे 20 कहाँ है तो 20 आपको इस रो में मिलेगा 20 एक्स और एक्स तो लिख देंगे एक्स और एक्स। अब 5 का ढूंढना है तो 5 आपको इस रो में मिलेगा भी तो लिख देंगे भी यानी कि रोमन नंबर 225 का सी सी एक्स एक्स भी हुआ। इसी तरह से कितना भी लंबा रोमन नंबर हो 600 कुछ 700 कुछ। आप देखिए एक सबसे लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं 999 का रोमन नंबर, एक इसको देख लीजिए लास्ट 999 का रोमन नंबर क्या होगा। सबसे पहले 900 क्या होगा जानेंगे तो 900 इस रो में आपको मिलेगा सी और एम तो 900 का सी और एम हो गया। अब 90 का एक्स सी लिख देंगे एक्स और सी। अब 9 का क्योंकि 999 है अब 9 आपको इस रो में मिलेगा आई एक्स ये जो रोमन नंबर बना सी एम एक्स सी आई एक्स ये 999 का बना। यानी कि इससे हेल्प लेकर के हम किसी भी संख्या का रोमन नंबर लिख सकते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं, ये भी एल डी को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ये हम लोग एक बार ही लिखते हैं और आई एक्स सी एम को रिपीट कर सकते हैं। अब आप लोग मैं एक वो ट्रिक बता रहा हूँ जो आप लोग समझ पाइएगा किसको रिपीट नहीं करते हैं किसको रिपीट करते हैं जानने के लिए। हो सकता है आप कभी रोमन नंबर लिख रहे हैं कभी भूल गए कि पता नहीं सर बताए थे किसको रिपीट करते हैं किसको रिपीट नहीं करते हैं भूल गए, तो आसान तरीका आप लोगों किसको रिपीट नहीं करते हैं उसका आसान ट्रिक मन में सोच लेंगे कि इसको रिपीट नहीं करते हैं, इसको मतलब 5 को रिपीट नहीं करते हैं। ये 5 मतलब भी, 5 आया भी का रोमन नंबर जो होता है 5 का होता है, 5 को रिपीट नहीं करेंगे। फिर एल 50 को रिपीट नहीं करेंगे। फिर डी का होता है 500 यानी इसको रिपीट नहीं करेंगे। बाकी किसको रिपीट करते हैं तो इसको छोड़ करके सबको रिपीट करते हैं। तो इसको जो छोड़ दिया जाए तो क्या बचा,
IXCM, इसको रिपीट करते हैं और रिपीट करते भी हैं तो मैक्सिमम थ्री टाइम्स अधिक बार रिपीट नहीं करेंगे। अब मैं आप लोग कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं रोमन नंबर लिखने के लिए और आप लोग उसको लिखिए सोल्व कीजिए। चलिए बच्चे आप लोगों को मैं अब होमवर्क दे रहा हूं, उसको घर पर सोल्व कीजिए। मेरा क्वेश्चन है राइट इन द फ्लोइंग रोमन न्यूमरल्स, जो मैं क्वेश्चन दिया हूं वो आप लोगों को रोमन नंबर में लिखना है। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है 13, 13, बी है 26, सी है 39, फोर है 89, ई है 90, एफ है 110, जी है 245, एच है 666 और आई है 870। इसको आप लोग सोल्व कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोगों को जो प्रॉब्लम होगा वो जो ट्रिक बताए तीनों से हेल्प ले करके आप लोग इसको रोमन नंबर लिख सकते हैं। इसमें कोई आप लोगों को याद नहीं करना है, रटना नहीं है, केवल सोच करके मिला करके लिखना है। और यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है सर, मुझे रिपीट समझाइए, या जो प्रॉब्लम है मुझे आप लोग कमेंट्स करके बताइए, मैं इसको सोल्व करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। क्लासेस चला रहे हैं तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट, इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क, और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।